तो हेलो गाइज, कैसे हो तुम लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूँ तुम लोग का प्यारा लीडर। एंड गाइज, आज का वीडियो होने वाला है टूर्नामेंट सीरीज़ का वीडियो नंबर 2, जिसका गाइज टाइटल और थंबनेल तुम लोगों ने देख के गेस कर ही लिया होगा। गाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। मतलब काफ़ी लोगों को टीम चाहिए, काफ़ी लोग जो सोलो बैठे हुए उनके पास टीम नहीं है ताकि वो कंटिन्यू कर सके अपनी जर्नी ई स्पोर्ट्स में, या फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके ई स्पोर्ट्स में। बहुत सारे लोग जो खेलना चाहते हैं बट कोई है नहीं जो गाइड करे उनको कि हाँ भाई तुम ऐसे टीम बनाओ, ऐसे खेलो, ये करो, वो करो, यहाँ खेलो, वहाँ खेलो, ऐसा कोई करने वाला है नहीं। तो गाइज, तो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे तुम लोग परफेक्ट टीम ढूंढ सकते हो अपने लिए, कहाँ पे ढूंढ सकते हो, एंड उस बारे में गाइज देखते हैं। अभी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। तो फिर गाइज बिना टाइम वेस्ट करता है वीडियो का स्टार्ट, और हाँ तो फिर कर देते हैं स्टार्ट। तो गाइज देखो, सबसे पहले मैं तुम लोगों का एक माइंड सेट क्लियर करना चाहूँगा, जो कि गाइज सब लोग मतलब ऐसा सोचते हैं ना कि मतलब मैं ऐसा एज अ प्लेयर खेलता हूँ, स्नाइपर हूँ मैं रशर हूँ, चलो मैं लीडर हूँ, मुझे कोई भी टीम ज्वाइन कर लूँगा और खेल लेंगे, उतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, ठीक, जितना लीडर की रहती है, ठीक है। मतलब जितना है आईजीएल जो होता है इन गेम लीडर, एक टीम का जो लीडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितना उसे काम करना होता है उतना और किसी का नहीं रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है। चारों बंदों को टाइम पर बुलाना, चारों को सही टाइम पर ग्रुप में लाना, फिर स्टार्ट करवाना, ठीक से लीड करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। ये सब कुछ सोचते हो कि हाँ ऑफकोर्स कुछ गलत भी नहीं है, सोचना भी तुम्हारा बिल्कुल सही है क्योंकि ऐसा कुछ होता है, बट उतना भी गाइज हार्ड नहीं है, ठीक है। बट अभी के लिए मैं जो मतलब तुम लोगों को समझाने वाला हूँ ना, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। देखो यार मैं बताऊँ, जब तक मान लो लीडर ही नहीं है, जब तक मान लो टीम्स का आईजीएल नहीं है, तब तक प्लेयर्स कहाँ से आएंगे बताओ यार। टीम बनेगी ही नहीं, टीम कौन बनाता है? जो लीडर रहता है वो टीम बनाता है। अभी टीम जब बनेगी नहीं तो प्लेयर्स टीम कौन से टीम में जाएंगे भाई? तो मतलब समझ रहे हो, हमें पहले प्लेयर्स नहीं चाहिए, हमें पहले चाहिए लीडर्स, ठीक है, जो कि टीम बनाए और चार बंदे हायर करे, तीन बंदे ढूंढे और अपने साथ लेके खेले। कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है यार। मैं चाहूँगा ना जितने लोग वीडियो देख रहे हो उसमें से मतलब तीन चार लोग, कम से कम जितने भी लोग हैं ना यार देख रहे हो, सब लोग यार ट्राई करो लीडर बनने का, ठीक है। मतलब बस तीन बंदे ढूंढो अपने लिए। कैसे ढूंढना मैं बता रहा हूँ ना, कैसे ढूंढना है। तुम्हें अगर लीड करने नहीं आता ना वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। उसके ऊपर वीडियो आएगी किस तरह से लीड करना है टीम को, कहाँ क्या करना है, सब कुछ बताऊँगा मैं, ठीक है। बट ट्राई तो करो, पहले स्टार्ट तो करो, ठीक है। तुम ट्राई करो, तीन बंदे ढूंढो, स्टार्ट करो खेलना, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा भारी काम नहीं है, ठीक है यार। तुमको मतलब बस बुलाना है गेम में चारों बंदों आके। अभी के लिए तुमको FFIC के लिए अगर तुमको प्रिपरेशन करना है ना तो मतलब बस बी आर रैंक खेलते रहो 10 गेम डेली का, और कुछ नहीं चाहिए तुमको यार। बहुत ज़्यादा ईजी है गाइज। तो यार मैं चाहूँगा पहले लीडर बने, ठीक है। जब लीडर रहेगा तभी जाके मतलब प्लेयर्स हायर होंगे ना, और कहीं ना कहीं देखो। तो फिर अभी पढ़ते गाइज आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ तुम लोग को कहाँ पे टीम ढूंढ सकते हो, कैसे ढूंढ सकते हो, और मान लो अगर तुमको लीडर बनने का मन कर रहा है तो तुम्हें प्लेयर्स कहाँ से मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अभी के लिए। तो भाई इसमें सबसे पहले आ जाना है हमारे चैनल पे, जो जिसका तुम वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करके अपने नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लेना, कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस जाना तुमको अबाउट वाले सेक्शन में, वहाँ पे तुमको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का उस लिंक पे क्लिक करना है तुमको। अगर तुम्हारा डिस्कॉर्ड नहीं डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, डाउनलोड करके अकाउंट बना लेना और फिर लिंक पे क्लिक करके अपना सर्वर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एस्टेट गेमिंग करके सर्वर होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड गाइस देखो, ज्वाइन करती ना तुम्हारे सामने आएगा फाइन टीम वाला सेक्शन, ठीक है, जो तुम लोग देख सकते हो। अभी मैं लेफ्ट में स्वैप करता हूँ और तुम लोगों को दिखाता हूँ। देखो ऐसा सर्वर आएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा, देखो ये वेलकम, फिर रूल्स, कुछ है या नया सर्वर है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो मेन चीज़ तुम्हारा क्या काम है, यहाँ पे फाइंड टीम, ठीक है। मतलब ये वाले सेक्शन में तुम्हें जाना है और यहाँ पे जाके तुम्हें प्लेयर कैसे ढूंढना है पता है, बहुत ईजी है। अगर तुम एक प्लेयर हो और तुम्हें टीम चाहिए, तुम्हें क्या करना है, इसे कॉपी करना है जो मैंने पिन करके रखा है, ठीक है। इसे जैसे तुम कॉपी करोगे, तुम्हें लिखना है उसमें क्या क्या लिखना है पता है तुम्हें, तुम्हें लिखना है वहाँ पे कि यार आई नीड अ टीम, आई नीड क्या लिखा है मैंने, आई नीड अ सीरियस टीम फॉर अपकमिंग ऑफिशियल टूर्नामेंट। तुम्हारा अपना UID लिख दो वहाँ पे, तुम्हारा गेम में जो नाम है, मेरा एस्ट्रल लीडर है वो लिख दो, अपनी एज लिख दो, तुम क्या रोल करते हो, मतलब तुम रशर हो या स्नाइपर हो या नीडर हो, जो कुछ भी हो वो लिख दो, और फिर तुम कब कब खेलते हो, ठीक है, वो लिख दो। और गाइस ये सारी चीज़ें लिखने के बाद तुम्हें लास्ट में लिख दो DM फास्ट फॉर मोर, ठीक है। मतलब ऐसा करके इससे क्या होगा, जिसको भी प्लेयर चाहिए वो तुम्हें मैसेज करेंगे, ठीक है, और तुम्हें इसे आसानी से टीम मिल सकता है, ठीक है। तो गाइस अगर देखो, अभी दूसरी बात करता हूँ, अगर देखो IGL है ना, अगर कोई IGL है और उसे टीम प्लेयर से कोई टीम बनाना चाहता है, तो उसके लिए देखो क्या करना है तुम्हें, तुम्हें इस तरह से लिखना है, कॉपी करके लिखना है यहाँ पे, आई नीड 2-3 प्लेयर्स फॉर माई टीम, या फिर जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, ठीक है। मान लो तुम्हें कोई रशर चाहिए तो लिखो आई नीड अ रशर फॉर माई टीम, ऐसा कुछ जो भी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। कोई स्नाइपर चाहिए तो लिखो आई नीड अ रशर फॉर माई टीम, ऐसा करके, ठीक है। फिर नीचे में उसके बाद तुम्हें लिखना है यार, मतलब ऐसा करके टीम नेम अपना डाल देना है, ठीक है। जैसे कि मेरा टीम नेम मान फॉर एग्जांपल स्टडी स्पोर्ट्स, फिर डाल टीम एक्सपीरियंस, पता चला नई टीम है या फिर कितने एक साल की एक्सपीरियंस है, वो सारे लिख दो। फिर उसके बाद तुम्हें क्या क्या प्लेयर्स चाहिए, ठीक है, मतलब प्लेयर्स का रूल्स क्या क्या होना चाहिए वो सब लिख दो, और फिर कब कब खेलेंगे तुम्हारे प्लेयर्स वो चीज़ लिख दो, ठीक है। मतलब और कुछ रूल्स तुम्हारे हैं जो तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए तो वो सब भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड फिर लिख दो इंटरेस्टेड प्लेयर्स कैन DM फॉर टीम, ठीक है। बस तुम्हें क्या होगा, बस काम खत्म, तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम्हें खुद ही प्लेयर्स तुम्हें DM करेंगे, मैसेज करेंगे तुम्हें, ठीक है, और तुम वहाँ जाकर आराम से कर सकते हो। अभी देखो DM क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, प्रोफाइल पर क्लिक करके मैसेज कर सकते हो, और यहाँ पर पहले तुम उसको टैग कर दो, और टैग करने के बाद तुम वहाँ पर मतलब लिख दो ब्रो आई नीड अ टीम, आपने ऐसा सब उस ग्रुप में डाला था कि आपको प्लेयर चाहिए तो मुझे आप लोगे अपनी टीम में, ऐसा करके आप देखो टीम ढूंढ सकते हो, ठीक है। उतना भी हार्ड काम नहीं है,
और गाइस देखो, जिसको डिस्कॉर्ड चलाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पे 300-400 मेंबर्स हैं, जो तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के उस ग्रुप का लिंक और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तुम लोग मुझे वहाँ पर वही फॉर्म जो डिस्कॉर्ड पर लिखा हुआ था ना, वही फॉर्म में लिख के, मतलब अच्छे से लिख के कि मुझे ऐसा टीम चाहिए या फिर मुझे प्लेयर चाहिए, ऐसा लिख के मुझे बस सेंड कर दो और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं उस ग्रुप में डाल दूँगा, तुम्हें आराम से टीममेट मिल जाएंगे, ठीक है। तुम आराम से टीम मिल जाएगी, 3-4 प्लेयर आराम से तुम्हें इजीली मैं दिला के दूंगा, ठीक है। बस अब इससे ज़्यादा और सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर गाइस अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते नए वीडियो में, डाटा बेस यू। एंड गाइस देखो, मतलब कल का वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से, मतलब अभी तुम लोग टूर्नामेंट खेल सकते हैं, FIC का कैसे खेलना है। आज के इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ कैसे टीम बनाना है, और इस वाले वीडियो में मैंने ये बोला कि आइडिया सब, ये मैंने बोला कि सबको IGL बनना है, ठीक है, मतलब लीडर बनना है। लीडर के लिए मैं वीडियो शाम तक आ जाएगा, ठीक है, 6 बजे तक, कि कैसे लीड करते हैं टीम को, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, तो वेट करना उसका भी, ठीक है। तो फिर गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, टाटा बाय, बाय, सी यू। और गाइस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बिल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। और 6 बजे रेडी रहना वीडियो के लिए, और 6 बजे मैं लाइव जाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर और क्या ही रहेगा, तो फिर ठीक है, बाय।